दोस्तों, अगर आप अपने बिज़नेस को इंटरनेशनली लेवल पर प्रमोट करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है फेसबुक। क्योंकि दोस्तों, फेसबुक पर 2 बिलियन लोग यूज़र है फेसबुक के। जी हाँ दोस्तों, अप्रोक्स 2 अरब लोग यूज़ करते हैं फेसबुक। तो वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को बहुत ही ईजीली प्रमोट कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिज़नेस को गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक फेसबुक बिजनेस पेज। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम अपना खुद का फेसबुक बिजनेस पेज बना सकते हैं और किस तरह से अपने प्रोडक्ट को वहां पर प्रमोट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो गाइस, फेसबुक बिजनेस पेज बनाने के लिए हमें किसी भी लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। हम ये ट्यूटोरियल करेंगे अपने मोबाइल के ऊपर। तो मैं आपको दिखाऊंगा मोबाइल से हम किस तरह से अपना खुद का फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं। सो है गाइस, मेरा नाम है शाहनवाज और आप देख रहे हो टेक बॉय शान यूट्यूब चैनल। सो गाइस, चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ पर देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमें एक फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करना है और किस तरह से अपने जो प्रोडक्ट है उसको वहाँ पर प्रमोट करना है। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग दिस वीडियो। ऑलराइट फ्रेंड, तो सबसे पहले हमें फेसबुक बिजनेस पेज बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपना फेसबुक ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि ये मेरा नॉर्मल फेसबुक है, तो यहाँ से अभी हम सो अभी नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है। ऊपर की साइड में 3 डॉट है, यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे एक बार। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेजेस जो यहाँ पर है, इस पर एक बार टैप करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर टैप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में यहाँ पर लिखा है क्रिएट। तो यहाँ पर हमें एक बार क्रिएट करना है और एक बार टैप करना है क्रिएट पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्ट विद योर ऑडियंस ऑन फेसबुक, बिजनेस ब्रांड एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रिएट ए फ्री पेज इन जस्ट ए फ्यू स्टेप। तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे ओके कर देना। तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे एक बार क्लिक कर देना है। ओके सो गाइस, यहाँ पर अभी फर्स्ट स्टेप जो हमारा आएगा वो यहाँ पर हमें, यहाँ पर आपको अपने ब्रांड का यहाँ पर नेम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने पेज का यहाँ पर नाम रख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने कोई भी पेज का नाम रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने पेज का नाम रख देता हूँ यहाँ पर HP स्टोर। सो गाइस, ये जस्ट मैं अपने एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, बाकी आप जो भी अपने बिजनेस पेज का नाम यहाँ पर रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर ये नाम रख दिया अभी HP स्टोर। तो अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड में आई वॉन्ट टू यूज़ दिस पेज टू सेल प्रोडक्ट और प्रोवाइड सर्विस। तो यहाँ पर आपको एक बार यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर ओके करने के बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर जाना है गो पे और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। ओके तो गाइज, ये फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चूज़ ए कैटेगरी फॉर योर पेज, यानी किस कैटेगरी का आप फेसबुक पेज बनाना चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट आप यहाँ पर सेल करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइज, यहाँ पर कुछ सजेस्टेड कैटेगरी है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल ब्लॉग है, प्रोडक्ट सर्विस, हेल्थी ब्यूटी, शॉपिंग एंड रिटेल। तो ये आपको सजेशन में मिल जाएंगे। अगर आपका कुछ और ही यहाँ पर कैटेगरी है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं बुक, मैगजीन, ब्रांड, प्रोडक्ट्स, कंपनी, इवेंट, काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ से एक ब्रांड एंड प्रोडक्ट वाले पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो अभी नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट ए सब कैटेगरी। तो चलिए अभी मैं यहाँ से कंप्यूटर ब्रांड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। ऑलराइट, तो गाइस अब यहाँ पर ये पूछेगा ऐड योर वेबसाइट। तो अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अगर अदरवाइज़ यहाँ पर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है तो इसको यहाँ पर स्किप कर देंगे। ओके, सो अभी नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आएगा ऐड ए प्रोफाइल पिक्चर और ऐड ए कवर फोटो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो आपका ब्रांड है उसका यहाँ पर एक फ़ोटो ऐड कर देंगे। ऑलराइट गाइस, तो मैंने भी यहाँ पर एक कवर फोटो अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। सो ये मैंने अपनी गैलरी से जो मेरी ब्रांड का फ़ोटो था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर। ओके, तो गाइज अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इतना काम हमारा होने के बाद अभी यहाँ पर नेक्स्ट हमें करना है ऐड ए बटन। यार यहाँ पर हमको एक बटन ऐड करना है जिसके थ्रू जो हमारा क्लाइंट है वो डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कर सके। तो यहाँ पर हमें ऐड ए बटन एक्शन लेना है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं चूज़ द एक्शन यू वुड लाइक टू पीपल टू टेक, दिस बटन विल बी शोन एट द टॉप ऑफ योर पेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय प्रोडक्ट और सर्विस। तो अगर आपका कुछ प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं तो वहाँ से आप कोई भी यहाँ से बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं और सर्विस, यानी अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करें, जैसे कि आप जैसे कि एक
एडवोकेट है, ठीक है, आप आपका क्लाइंट आपके पास आता है कोई केस के लिए, तो आप उसका केस लड़ते हैं, तो वो एक तरह से आप उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरह से एक डॉक्टर है, वो भी अपने पेशेंट को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर आप बटन चूज़ कर सकते हैं, बुक नाउ पे कर सकते हैं। अगर आप बुक नाउ पे करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका जो क्लाइंट है उसको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट स्टार्टेड। तो अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं अपना टाइम, किस टाइम से किस टाइम तक आप अवेलेबल है। सो गाइस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर है, तो आप यहाँ पे अपना टाइम जो है यहाँ पर सेट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट का टाइम यहाँ पर आप डाल सकते हैं, किस टाइम से किस टाइम तक आप अवेलेबल है, और किस दिन वीक ऑफ है तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। जैसे कि आप संडे को अवेलेबल नहीं है तो संडे को यहाँ पर आप क्लिक नहीं करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे पूरा यहाँ पर पूरे वीक का यहाँ पर टाइमिंग है। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि ट्यूसडे को 9 AM से 5 PM आपको नहीं रखना, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। एक बार टाइम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आप टाइम जो चाहे वो सेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक अभी क्लियर हो गया। ओके, अब चलते हैं बैक। तो ये बुक ना होगा बटन जो है सर्विस प्रोवाइड के लिए काम आता है। ऑल राइट गाइस, तो अब हम बात करते हैं बाय प्रोडक्ट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बाय प्रोडक्ट, तो अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट यहाँ पर सेल कर रहे हैं अपने फेसबुक बिजनेस पेज पर, तो यहाँ पर आप ये वाला बटन ऐड कर सकते हैं शॉप नाउ। तो जैसे कि आपके पास कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक यहाँ पर आप डाल देंगे, तो जब भी कोई आपके बिजनेस पेज पर यहाँ पर विजिट करेगा तो डायरेक्ट उस लिंक को टैप करके आपकी वेबसाइट पर कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आप एक ऐसा नंबर प्रोवाइड करें जिसके थ्रू डायरेक्ट आप अपने क्लाइंट से टच में रहे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर कॉल नाउ का बटन है, ये वाला बटन आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक नंबर यहाँ पर ऐड कर देना है। तो वैसे जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मैंने अपना नंबर यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट सेव कर देना है, और सेव करने के बाद इस तरह का देखिए आपका जो बिज़नेस पेज है इस तरह कुछ शो होएगा। तो यहाँ से आप चाहे तो अपने फेसबुक बिजनेस पेज को प्रमोट कर सकते हैं, बट ये एक अलग टॉपिक है, इस पर एक अलग वीडियो मैं आपको बना दूंगा किस तरह से आपको प्रमोट करना है। तो चलिए अभी हम बैक चलते हैं। सो गाइस, अभी हमें नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या करना है, जो प्रोडक्ट आप यहाँ पर सेल करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले आपको लिस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा मोर पे, और मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे नीचे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे एडिट पेज पे हम जाएंगे एक बार, और एडिट पेज पर जाने के बाद सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद उसके बाद हमें यहाँ पर जाना है पेज इन्फो में जाना है, और पेज इन्फो में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अबाउट सेक्शन है, इसको हमें पूरा कम्प्लीटली फिल करना है। और हमारा जो स्टोर का नाम आ गया, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर ब्रांड थे, तो यहाँ पर आप जो वेबसाइट आपका, तो यहाँ पर आप वेबसाइट का लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ा हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे, यानी आपका जो ब्रांड है उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई वॉन्ट टू प्रमोट माई प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम थोड़ा इस तरह का डिस्क्रिप्शन थोड़ा लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा बैक जाएंगे, और अगर तो बैक जाने के बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे आप कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर अपना ऐड कर देंगे, और जो नीचे वाला सेक्शन है यहाँ पर ईमेल आईडी अपना ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन आप डालना चाहिए तो लोकेशन यहाँ पर ऐड कर देंगे, और यहाँ पर जो अपना टाइम डालना चाहिए, यानी आपका स्टोर का जो टाइम है कितने बजे तक ओपन है, कितने बजे क्लोज है, तो यहाँ पर आप वो टाइम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आता है एड टेम्प्रेरी सर्विस चेंज। तो अगर आप अपने बाई मिस्टेक आपसे कुछ यहाँ पर रॉन्ग हो गया तो उसको आप चेंज करना चाहते हैं, या सर्विस आपका जो है वो चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पे, अभी हम जाएंगे मोर पे। मोर पे जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस रेंज यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं आपका जो प्रोडक्ट है। सपोज़ कीजिए आपका एक लैपटॉप का शॉप है, आप उसको यहाँ पर सेल कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पर रेंज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतने प्राइस से लेके इतने तक अवेलेबल है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ऑलराइट गाइस, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आप देखेंगे सेटिंग में, जब आप जाएंगे तो सेटिंग में आपको दो ऑप्शन और यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप। तो अगर आप चाहते हैं अपने फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम से लिंक करना, तो यहाँ से आप इंस्टाग्राम से अपने लिंक कर सकते हैं। कनेक्ट अकाउंट पर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम आईडी डालेंगे और ये डायरेक्ट आपसे फेसबुक पेज से लिंक हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप पर भी यहाँ पर अपने लिंक कर सकते हैं फेसबुक को। यहाँ पर आपका जो व्हाट्सअप है इससे यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए अपना नंबर डालेंगे यहाँ पर और आपका जो व्हाट्सअप है वो आपके फेसबुक पेज से कनेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमारा जो फेसबुक बिजनेस पेज है वो यहाँ पर रेडी है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ से आप अपना कोई भी पोस्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, आपके ब्रांड का आपके प्रोडक्ट को यहाँ पर आप आराम से कोई भी पोस्ट अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर लिंक डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट का। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आता है इनवाइट फ्रेंड टू लाइक दिस पेज। तो यहाँ पर अगर आप इनवाइट करेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इनवाइट फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके फ्रेंड को यहाँ पर आप पेज इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पर जस्ट फॉर एग्जांपल मैं 2-3 बंदों को यहाँ पर इनवाइट कर देता हूँ। ये देखिए जो मेरा भी फेसबुक बिजनेस पेज था वो यहाँ पर इनवाइट हो चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट पोस्ट। यहाँ पर आपको अपना कोई भी फेसबुक, तो यहाँ पर आपका कोई भी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पर आपको कोई भी पोस्ट यहाँ पर शेयर कर देना है कोई भी। और गाइस तो ये देखिए अभी आपका जो फेसबुक बिजनेस पेज है वो यहाँ पर बन के रेडी है। तो गाइस सपोज कीजिए आपने बाय मिस्टेक अपना फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट कर लिया, या फिर आपको इंटरेस्टेड नहीं है, आपने बस ऐसे ही जस्ट ट्राई के लिए अपना फेसबुक पेज बनाया और बाद में आप चाहते हैं कि मैं इसको डिलीट कर दूं। सो गाइस मैं इस वीडियो में ये भी आपको दूंगा किस तरह से आप अपने फेसबुक पेज को डिलीट कर सकते हैं बहुत ही सिंपली। तो चलिए गाइस अगर आपको फेसबुक पेज अपना जो आपने बनाया उसको आप डिलीट करना चाहते हैं बिजनेस पेज को, तो हमें यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर मोर पे जाना है और मोर पे जाने के बाद डायरेक्ट नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे एडिट पेज, एडिट पेज पे जाना है और एडिट पेज पे जाने के बाद यहाँ पर आएंगे सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद जनरल पर आएंगे। तो गाइस जनरल में जाने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे रिमूव पेज परमानेंटली डिलीट एचपी स्टोर। सो सपोज कीजिए मैं इस पेज को डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से देखिए ये पेज को यहाँ पर आप डिलीट करेंगे। डिलीट पेज पे हम एक बार क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका जो फेसबुक पेज है परमानेंटली यहाँ से डिलीट हो जाएगा। सो गाइस आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो गाइस अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।